हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड एक्टिविटीज़ कॉर्नर। मैं दीप्ति सक्सेना आपके अपने चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर है कि हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हुआ है और नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, साथ में लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी खबरें लाती रहूं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि 34 साल से शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन अब ये चमत्कार हो गया है। अब नई शिक्षा नीति को लागू किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक बदलाव किया गया है। हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन शामिल नहीं है। स्कूल शिक्षा में बदलाव हुआ है और उसमें क्या क्या हुआ है उन्होंने बताया है कि 6 वर्ष से लेकर 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं आमतौर पर कक्षा पहली से तीसरी में पढ़ते हैं, उनके लिए नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा ताकि बच्चे बुनियादी साक्षरता समझ सके। स्कूल एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव हुआ है, यानी कि जो 10+2 था वो अब बदलकर 5+3+3+4 हो गया है। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो एक ही तरीके से पढ़ाई किया करेंगे। इसके बाद मिडिल स्कूल यानी कि 6 से लेकर के 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन जानेंगे और कक्षा 6 से ही कोडिंग की जो पढ़ाई है वो स्टार्ट की जाएगी। 4 साल का डिग्री प्रोग्राम भी रहेगा। उसके बाद GDP का 6% शिक्षा में लगाया जाएगा, अभी जो फिलहाल 4.43% है। ई कंटेंट क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। अमेरिका के NSF की तर्ज पर NRF यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लाया जा रहा है जिसमें साइंस के साथ सोशल साइंस भी शामिल रहेगी। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा, वास्तविक ज्ञान की परख की जाएगी। कक्षा 5 तक मातृभाषा को निर्देशों के माध्यम से बताया जाएगा। आई होप सो, ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो नई शिक्षा नीति में लागू की जा रही है, उसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। आई होप सो कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो जल्दी से अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और साथ में लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चलते चलते वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।